जहां पूरे भारतवर्ष में 73वां गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया, वहीं फरीदकोट के नेहरू स्टेडियम में भी गणतंत्र दिवस पूर्ण उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर डीपीआरओ अमरीक सिंह और जसबीर सिंह जस्सी ने सभी सरकारी और गैर सरकारी लोगों को खुशामदीद कहते हुए स्टेज की भूमिका निभाई। इस मौके पर फरीदकोट के कमिश्नर रविंदर कौशक द्वारा राष्ट्रीय ध्वज लहराया गया और परेड में शामिल टुकड़ियों का मुआयना किया गया और सलामी ली गई। इस दौरान पंजाब पुलिस, होमगार्ड और स्कूल के बच्चों की तरफ से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सलामी दी गई, जिसके चलते जिला प्रशासन की ओर से मुख्य मेहमान फरीदकोट डिवीजन के कमिश्नर रविंदर कौशक को सम्मानित भी किया गया। समागम की समाप्ति स्कूल के बच्चों द्वारा गाए राष्ट्रीय गीत के साथ हुई। इस मौके पर फरीदकोट के डिप्टी कमिश्नर हरबीर सिंह और एसएसपी अरुण शर्मा भी हाजिर रहे। डीसी रविंदर कौशिक ने अपने संबोधन में कहा कि फरीदकोट की धरती पर 12वीं सदी के महान सूफी संत बाबा शेख फरीद जी की हमेशा मेहर रही है। इस मौके पर उन्होंने पंजाब के गुरुओं, पीरों और देश के लिए शहादत देने वाले सभी शहीद जवानों को याद किया। फरीदकोट से हलचल के लिए गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। देश से गणतंत्र बनन की 73वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। मैं शुभ दिहाड़े से देशवासियां, पंजाब वासियां, खास करके जिला फरीदकोट वासियां नूं दिल की गहराइयां तो बधाई देता हाँ। फरीदकोट नूं महान सूफी संत बाबा फरीद जी की चरण छोह होने का मान प्राप्त है। उन्होंने सर्व सांझीवालता, आपसी भाईचारे ते प्यार का संदेश दिता। उन्हां दीयां सिख्यावां ते बाणी अज भी समुची मनुखता का मार्ग दर्शन कर रही हैं। सानू इस गल का मान है कि फरीदकोट का भारत के आज़ादी संग्राम विच भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है।